नमस्कार, आप देख रहे हैं SW24 न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री संदीप भट्ट सर। हम फिर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम करियर मार्गदर्शन लेकर। करियर मार्गदर्शन में जैसे हमने पिछले सप्ताह बात करी थी, इस सप्ताह हम बात करेंगे हायर और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो नौकरियां होती हैं उन्हें हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या पात्रताएं हो सकती हैं। तो सर, इसकी शुरुआत करेंगे। सर, आप बताइए कि इन क्षेत्र में अगर जाना है तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम करियर बना सकते हैं। जी आसिफ जी, जैसा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, तो पिछली बार भी हमने कहा था लगभग 15.5 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं आसिफ जी हमारे देश में। जी सर। और जिनमें हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। जी। हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स की जहाँ तक बात है, तो आसिफ जी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग शिक्षा बोर्ड हैं, अलग अलग राज्यों के अपने बोर्ड्स होते हैं, और उसके अलावा केंद्रीय स्तर पर हमारे यहाँ CBSE भी है, उसके यहाँ ICSE भी एक हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन का बोर्ड है। जी। इन सभी जो बोर्ड स्कूल्स को संचालित करते हैं, इन सभी स्कूल्स में टीचर्स की भर्तियां होती हैं। CBSE की अगर हम बात करते हैं तो इसमें TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक लगते हैं, और उसके अलावा PGT एक होते हैं जिनको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इनके नोमेनक्लेचर अलग अलग है, नाम अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जो वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स को इंटर कॉलेज कहते हैं, तो वहाँ पर इंटर कॉलेज में लेक्चरर्स की भर्ती होती है, प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती होती है। मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक और वर्ग दो की श्रेणी के जो अध्यापक हैं वो इस तरह के वर्ग में आते हैं। और करियर के लिहाज से अगर आप देखें तो ये दोनों ही मतलब शिक्षक संवर्ग जो है बहुत अच्छे सैलरी वाले पद हैं, और देश भर में अलग अलग राज्यों में लाखों युवा हर साल स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवेदन करते हैं। आसिफ जी, मध्य प्रदेश में भी जैसे हम अपने राज्य की बात करेंगे तो समय समय पर जो स्कूली शिक्षा विभाग है और उसकी आवश्यकता के हिसाब से अभी तक हमारे यहाँ PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसको हम कहते हैं व्यापम के नाम से, वो इसके लिए स्कूल संविदा शाला शिक्षकों की भर्तियाँ कराता रहता है। आसिफ जी, एक बात तो ये हुई सर इसके अंदर कि मतलब हमारे पास कौन कौन से अवसर हैं इनमें जाने के लिए, दूसरा ये कि इन पदों पर जाने के लिए कौन सी अर्हताएँ चाहिए होती हैं, मतलब किस ग्रेड तक के पढ़े हुए हों और उनको कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है क्या। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, जो TGT की बात है यानी जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो वर्ग दो के शिक्षक की बात है, तो उसके लिए स्नातक होना चाहिए और किसी भी विषय में स्नातक हो, और उसके बाद में अपने BEd आपने किया हुआ है, क्योंकि NCT के जो मान्यता प्राप्त इस तरह के कोर्सेज हैं BEd वगैरह वो आपको करना होता है। और अगर आप CBSE या किसी अन्य बोर्ड में शिक्षक TGT बनना चाहते हैं तो वहाँ आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में भी होना आवश्यक होता है। लेकिन जो PGT की बात है यानी स्नातकोत्तर शिक्षक की बात है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में उसको प्रवक्ता कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि 11वीं 12वीं के जो विषय हैं, बहुत सारे विषय होते हैं उसमें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ज्योग्राफी, उसके अलावा मिलिट्री साइंस, होम साइंस, दुनिया भर के विषय हैं। उन विषयों में आपको स्पेसिफिक विषय में आपको PG होना जरूरी है, और PG के साथ में आपका BEd होना जरूरी है PG टीचर्स बनने के लिए। मध्य प्रदेश में वर्ग एक की अगर आप बात करेंगे तो आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए संबंधित विषय में, स्नातकोत्तर होना चाहिए, PG पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप जिस विषय के लिए आवेदन करें। मान लीजिएगा आप हिंदी के PG शिक्षक बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो हिंदी में आपका PG होना चाहिए और BEd होना चाहिए। लेकिन वर्ग दो की जहाँ तक बात है उसके लिए आपको BEd होना जरूरी है, और BEd के साथ साथ आपका एक 3 वर्षीय जो आपकी स्नातक की डिग्री है वो आवश्यक है, और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CET या जिसको TET भी कहते हैं कई जगह आपने, TET टेस्ट TGT बनने के लिए मस्ट है, मतलब जरूरी है कि आपको वो होना ही होना चाहिए। और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, हर साल समयावधि के हिसाब से इस तरह के विज्ञापन देश भर में अलग अलग राज्य अपने अपने बोर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूली टीचर्स की भर्तियाँ निकालते रहते हैं। सर, स्कूली टीचर्स के अंदर जो भर्तियां होती हैं उनमें आयु की क्या बाध्यता होती है? आयु 18 साल से लगभग 40 साल तक की आयु वर्ग के लोग इन अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर उसमें ये भी होता है देखिए कि जो अलग अलग वर्ग है, जैसे कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, महिलाएं हैं, कुछ स्टेट्स के रिजर्वेशन कोटा अपना होता है, तो उस हिसाब से उनके लिए आयु संवर्ग में रिलैक्सेशन भी मौजूद होता है, मतलब कुछ
मतलब 18 से 40 है तो कई जगह उसके लिए 3 वर्ष या 5 वर्ष की आयु जो है अधिकतम दी जा सकती है। महिलाओं के मामले में शायद 5 वर्ष का, महिलाओं का भी है और दो स्टेट के कोटा है अपना, स्टेट रिजर्वेशन का कोटा है स्टेट की भर्ती के मामले में। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर भर्ती है, CBSE स्कूल्स की, केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती है, तो फिर वहाँ केंद्र के आरक्षण के नियमों के हिसाब से आपको आयु में शिथिलता दी जाती है। सर हम बात करें अगर निमाड़ की, निमाड़ के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग या इस तरह के जो हायर एजुकेशन वाला मामला आता है उनके ट्रेनिंग के कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट हैं, मतलब सरकारी के अलावा क्या प्राइवेट में भी इसके लिए हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि देखिए हमने जैसे ही कहा कि इसमें BEd की डिग्री आपको अनिवार्य है, चाहे आप PGT बने चाहे आप TGT बने, है ना जी। वर्ग 1 और 2 दोनों के लिए आपको BEd की डिग्री की आवश्यकता है। तो BEd आपके पास में सरकारी कॉलेजों में भी है, सरकारी विश्वविद्यालयों में UTD डिपार्टमेंट्स जो हैं उन विश्वविद्यालयों में भी चल रहा है, और उसके साथ साथ आपके इस निमाड़ हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें, निजी कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, जिन निजी कॉलेज में BEd का कोर्स चलाया जा रहा है। और वहाँ से BEd करने के बाद में आप फिर चूंकि BEd के लिए आपको एलिजिबिलिटी ही ग्रेजुएशन है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया और BEd किया तो फिर उसके बाद आप वर्ग 2 के लिए या TGT के लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आप PG करने के बाद में BEd करते हैं या BEd करने के बाद अगर आपने PG किया हुआ तो फिर आप PGT के लिए कहीं भी किसी भी स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र के अलावा इसमें निजी सेक्टर में भी बहुत जॉब के अवसर हैं आसिफ जी। सर निकट भविष्य में कोई वैकेंसीज निकल रही हैं इसमें वर्ग 2 और 3 के लिए इस तरह की? बिल्कुल, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो समय समय पर इसकी भर्तियाँ निकलती ही हैं। पिछले कुछ समय से अभी हमारे यहाँ भर्तियाँ नहीं हुई हैं, तो स्कूलों में चूंकि शिक्षकों की आवश्यकता तो बहुत है जी। निकट भविष्य में मेरे ख्याल से इसमें जल्दी ही विज्ञापन आएंगे और फिर उसके बाद भर्तियाँ स्कूल विभाग में भरी जाती हैं आमतौर पर, क्योंकि और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो लोग अगर स्थायी नियुक्ति नहीं भी कर रहे हैं तो मई जून के समय पर अस्थायी शिक्षकों के, जिनको हम गेस्ट टीचर्स कहते हैं, उनके लिए भी अवसर निकलते हैं, वहाँ आपका अनुभव भी बढ़ता है, तो उसके बाद आप निजी सेक्टर में भी काम करने के लिए आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। टीचर के अलावा एक चीज़ और याद दिलाता चलूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने आरक्षकों की भर्ती निकाल रखी है, पहले इसे निकाला था फिर कुछ दिन के लिए रोक दिया था लेकिन वापस निकाल दिया है, करीब 4,000 पद हैं उसके लिए, आप उसकी जानकारी निकालिए और उसके लिए आवेदन ज़रूर करें। सर आगे हम अगर बात करें तो इसमें इस क्षेत्र में जाने के लिए जैसे हम लोकल की बात करते हैं अमूमन यह होता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो खंडवा का है तो खंडवा में उसको नौकरी मिले, खरगोन का है तो खरगोन में मिल जाए, बुरहानपुर का है तो बुरहानपुर में मिल जाए। तो इसमें सर जो एजुकेशन वाला जो क्षेत्र है अमूमन होता यही है कि लोगों को लोकल स्तर पर मिल जाती है, लेकिन इसमें आगे भी जाने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल, क्या होता है कि देखिए इसके बाद में आपको स्टेट लेवल पे एजुकेटर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं या गवर्नमेंट के जैसे BEd कॉलेजेस हैं, तो कई जगह जैसे हमारे यहाँ BEd कॉलेजेस हैं जो सीनियर लेक्चरर्स होते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, वो BEd के लेक्चरर्स जाकर के वहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि टीचर्स ट्रेनर्स होते हैं और ये डायट और इस तरह के जो संस्थान और होते हैं या स्टेट में जो अपने एजुकेशन रिसर्च के इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के जो होते हैं वहाँ पर भी जाकर के आप डिप्लॉयमेंट पे यानी कुछ समय के लिए जाकर के 3-5 साल जो भी आपका विभाग है उस विभाग से अनुमति लेने के बाद में आप वहाँ पर जाकर ट्रेनर्स बन सकते हैं और एक मतलब अच्छा खासा अनुभव आप ले सकते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद में आपके पास में ऐसे भी अवसर हैं कि आपको कई फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत भी आपको विदेशों में पढ़ाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जैसे मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जा करके, या कई और फुलब्राइट फेलोशिप्स हैं, कई तरह की फेलोशिप टीचर्स को मिलती है जिनके तहत हायर सेकेंडरी स्कूल्स के और हाई स्कूल्स के टीचर्स जा करके विदेशों में भी अध्यापन का कार्य कर सकते हैं और वहाँ से अनुभव लेने के बाद में ये अपना अनुभव विद्यार्थियों के बीच में साझा कर सकते हैं। तो इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर्स में होती हैं आसिफ जी। सर एजुकेशन में हम बात करें अगर हायर सेकेंडरी स्कूलों में, तो हायर सेकेंडरी स्कूलों में हमारे यहाँ भी जो लेक्चरर्स की नियुक्ति होती है तो लेक्चरर्स वाला जो मामला ये शिक्षकों से अलग रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो लेक्चरर्स भी शिक्षक, लेक्चरर भी शिक्षक ही है, लेकिन बस मैंने कहा ना कि उसमें PGT जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चरर्स कैडर में आते हैं और उसके लिए योग्यता है कि आप PG हो संबंधित सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट जो विषय है। नहीं इसके लिए कोई एग्जाम्स अलग होते हैं क्या? नहीं, जिस तरह ये लोक सेवा आयोग करवाता है
हाँ अलग अलग राज्यों में है बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर लोक सेवा आयोग स्कूली प्रवक्ताओं को, जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर पीएससी के माध्यम से होती है। मेरा ख्याल है कि राजस्थान में भी आरपीएससी के माध्यम से होती है, मध्य प्रदेश में अभी तक जो है वो व्यापम के माध्यम से होती रही है, पीबी के माध्यम से होती रही है। संविदाशाला शिक्षक वर्ग एक और दो की भर्तियाँ और तीन की भर्तियाँ भी होती हैं, स्कूली शिक्षकों की भर्ती के बारे में तो हम पिछले प्राइमरी और मिडिल के लिए तीन काम करते हैं। जी जी जी, तो अलग से नहीं है, उसके लिए एक संस्था जो हमारे यहाँ है पीईबी जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, वही उसके एग्जाम कराता है। इसमें एक सवाल और आता है सर कि एजुकेशन के क्षेत्र में युवा जाना तो चाहते हैं लेकिन उनकी एक ये भी वो होती है भावना या उनकी इंक्वायरी होती है कि यहाँ पर उनको कितना वेतन मिल सकता है, मतलब उसके उसमें जाने से परिवार चला सकते हैं या नहीं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि मतलब सैलरी क्या हो सकती है। देखिए आसिफ जी, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ आप जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि आप समाज परिवर्तन का भी एक माध्यम बनते हैं। और सरकारी क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो आपको सम्मानित वेतन मिलता है, जैसे मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो 9,000-34,000 का ग्रेड इसका होता है, एक सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, और 4,800-4,600 का पे बैंड इसमें होता है, अलग अलग हिसाब से उसमें सैलरी में। और जैसे जैसे आपकी वरिष्ठता बढ़ती है, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है तो आपके इंक्रीमेंट लगते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है। लेकिन वेतन जो स्कूली शिक्षा में डिपेंड करता है राज्य सरकारों की, जहाँ तक हम बात करें, वो डिपेंड करता है कि आपकी भर्ती किस तरीके, कई बार जो है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाते हैं, मानदेय जिसको हम कहते हैं, एक नियत वेतनमान आपको मिलता है, वो 20,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। और अगर आप वेतनमान पे रखे गए, यानी आप नियमित नौकरी पर हैं, नियमित वेतनमान में आपको रखा गया है, तो 9,000 से लेकर के 34,000 का जो पेबैंड है, 4,800-4,600 का जो पेबैंड था छठे वेतनमान में, वो उस हिसाब से फिर आपको अच्छा वेतन मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आप निजी सेक्टर में भी काम करते हैं तो बहुत अच्छे स्कूल हैं जो कि आपको सातवें वेतनमान के अनुसार ही वेतन देते हैं। अच्छा। पिछले अंक में भी हमने कहा था कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो हमारे युवा साथी शिक्षा में करियर को देख रहे हैं, वे सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहें बल्कि निजी स्कूल्स भी इतने अच्छे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं आपके आसपास ही, हमारे इस निमाड़ और मालवा क्षेत्र में इतने अच्छे स्कूल्स हैं जो आपको रहने खाने की सुविधा भी देते हैं और बहुत अच्छा सम्मानजनक वेतन भी देते हैं, और साथ ही साथ जैसे आप उनके साथ काम करते रहते हैं तो आपका अनुभव अच्छा होता है, सैलरी भी बढ़ती रहती है। सैलरी के लिहाज से भी स्कूल टीचर्स की जॉब जो है आसिफ जी बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि हमारा पेमेंट क्या होगा, तो जैसा सर ने बताया कि बहुत सम्मानजनक स्थिति रहती है, यहाँ पर आप एक बढ़िया जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसे, तो आप तैयार हो जाइए इस तरह के एग्जाम्स के लिए। और आसिफ जी एक बात ये भी है कि शिक्षक का समाज में बहुत सम्मान होता है, आपके विद्यार्थी हजारों हजार विद्यार्थी हमेशा आपको उम्र भर जो है सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो वेतन के साथ अगर आपको एक सम्मानजनक काम करना है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, तो शिक्षक का कार्य बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य है। तो ये तो अक्सर देखने में आया है कि कई बार ऐसे कलेक्टर होते हैं कि कलेक्टर मन से होता रहा है, ये तो हमारे गुरु हैं, उनके पैर छू लिए, तो ये वाला जो सम्मान है ये सिर्फ गुरुओं को ही मिल सकता है, शिक्षक को मिल सकता है, तो इस सम्मान के आप हकदार हो सकते हैं अगर आप ईमानदारी से इसमें प्रयास करें। तो सर इस श्रृंखला में अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, लोग स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे हैं, उन्होंने सवाल भेजे हैं हमको, तो ये एक सवाल है सर शुभम माली का जी, ये कह रहे हैं आजकल सभी को रोज़गार की आवश्यकता तो है पर किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहिए जिससे हर हाल में नौकरी मिल जाए। बहुत सही प्रश्न है इनका, क्योंकि नौकरी की वास्तव में सबको आवश्यकता होती है जी। और हर युवा सोचता है कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, अच्छा वेतन उसमें मिले, तो ये ऐसा कोई खास इसका फॉर्मूला नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको हिंदी पढ़ने से ही रोजगार मिल जाएगा या अंग्रेजी पढ़ने से ही रोजगार मिल जाएगा, आप पढ़ें उस विषय को, मन लगा करके उस विषय को पढ़ें, उसकी तैयारी करें जो आपको अच्छा लगता होगा। मसलन आपको साइंस नहीं अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको आर्ट्स में रुचि है, आपको आर्ट्स अच्छी नहीं लगती है तो आप जो है बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स हैं जहाँ पर आप पढ़ करके आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विषय आप लें, अपनी रुचि का लें जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, और उसमें मेहनत करने के बाद में मुझे लगता है कि निश्चित ही आपको सफलता मिल सकती है। अगला सवाल सर रोशन वर्मा का है, ये पूछ रहे हैं कि हाई एजुकेशन के बाद में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, तो अगर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में अक्सर हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा पूछते हैं कि हम प्रतियोगी की परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, अपना एक सबसे पहले रेगुलर टाइम टेबल बना लें,
जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जामिनेशन निकला हुआ है, तो उसका सिलेबस के हिसाब से आप देख लें। जैसे जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है तो एक खास पर्टिकुलर टाइम आप तय कर लें कि हम इतने समय पर सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे, इतने समय पर हम किसी विषय की तैयारी करेंगे, इतने समय हम इस विषय में भी इस सेक्शन को देना चाहते हैं। एक टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप नियत तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलती है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ों को आप ज़रूर देखते रहें, क्योंकि क्या होता है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो अखबारों को पढ़ें आप, न्यूज़ चैनल्स को देखें, उसके साथ साथ जो इस तरीके के जो इंफोटेनमेंट के जो चैनल्स हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन दोनों है, उस चैनल्स को भी देखें। तो कई बार क्या होता है कि मनोरंजन में आपके ज्ञान की भी वृद्धि होती रहती है। और खूब किताबें पढ़ें आप, अच्छे न्यूज़ चैनल्स को देखें, अच्छे अखबारों को पढ़ें, तो मेरे ख्याल से इस तरह का फॉर्मूला अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, और चूंकि आपने पीजी कर ही लिया है, जैसा आपने कहा कि स्नातकोत्तर करने के बाद में हायर एजुकेशन के बाद में तैयारी करनी है, तो हायर एजुकेशन तक आपका बेस भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, और अगर आप आसपास की माध्यमों से, आसपास की सूचनाओं से अपडेट रहते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप स्वतः ही तैयार होते रहते हैं। ये बहुत सही बात कही सर आपने कि अक्सर होता ये है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है देश और दुनिया भर में, यही सारे सवाल होते हैं आपके हर क्वेश्चन शीट पर, लगभग लगभग। तो इसके ऊपर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा अखबार पढ़ते रहें, आप टीवी चैनल देखते रहें, टीवी चैनल में भी न्यूज़ चैनल देखिए आप, अच्छे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात और ये आ रही है सर, बार बार हम देख रहे हैं, हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं उसमें जो अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो यही होते हैं कि सरकारी नौकरी, हर कोई सरकारी नौकरी में ही जाना चाहता है। आज तक अभी तक किसी भी एक मतलब दर्शक ने हमसे ये नहीं पूछा है कि प्राइवेट सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे। असल में लोगों के भीतर एक ये भी भावना होती है आसिफ जी कि सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी, बिल्कुल सुरक्षित नौकरी है जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा अपनी दृष्टि में विस्तार कीजिए, निजी सेक्टर्स में भी इतनी अच्छी नौकरियां हैं, और खास करके आज के मैं युवाओं से बात करता हूं, जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विद्यार्थियों से, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों से बात करता हूं, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे, बल्कि मुझे 50% स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स के ऐसे मिलते हैं जिनका रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं है जी। मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे सरकारी सेक्टर्स हैं जहां पर लोग जो है ना नौकरी के लिए नहीं जाना पसंद करते, बनिस्बत वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं। जैसे आईटी को आप देखिए, इंजीनियरिंग में आईटी के स्टूडेंट्स हमेशा प्राइवेट सेक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं नौकरी के लिए, बहुत अच्छे वेतनमान हैं और बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं। जी, तो जी, जी, थोड़ा सा अगर आप अपने देखिए दृष्टि को बदलने की जरूरत, दायरा बढ़ाने की, दायरा और दृष्टि आप बदलें, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी, गावन भी है, दायरा भी बढ़ता है, बिल्कुल दायरा बढ़ा है। तो वो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बुरा नहीं है, बहुत ही जॉब वहाँ पर अच्छे अवेलेबल्स हैं, बस जरूरत इस बात की कि राइट कैंडिडेट हो जी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, फिर आपको वेतन तो मिलता ही है, सम्मान भी मिलता है। ऐसा ही एक सवाल है हमारे साथ पास सर, प्रवीण शर्मा ने भेजा है, हायर एजुकेशन के बाद हमें सरकारी नौकरी के लिए क्या करना चाहिए। देखिए फिर यही सरकारी वही असल में क्या ये सवाल मेरे सामने हाँ, आया था इसलिए मैंने अपनी वाली बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आप देखिए हमारे हमने नाम सुने हैं, हालांकि ये नाम चंद होते हैं, चुनिंदा होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिल जाएंगे। आप सुन पिचाई साहब को देखिए, गूगल के प्रमुख हैं, पिचाई साहब हिंदुस्तान के हैं, तो अच्छी बड़ी कंपनियां जो लाखों करोड़ों में पैकेज देती हैं, ऐसी कंपनियां हमारे देश में भी मौजूद है, विदेशों में हमारे विद्यार्थी जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन जहां तक आप सरकारी नौकरी के लिए कह रहे हैं तो सरकारी नौकरियों का दायरा भी बहुत विस्तृत है, हर नौकरी के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपको जज बनना है तो आपके लॉ की डिग्री होनी चाहिए, अगर आपको आर्मी में जाना है तो उस तरीके का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, प्लस आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए। पुलिस में जाना है, राज्य की सेवाओं में जाना है, शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको जो है साइंटिस्ट बनना है, तो हर सरकारी नौकरी के लिए एक निश्चित निर्धारित पैमाना है, शिक्षा का भी, शारीरिक आपकी मतलब जो क्षमता का भी, अलग अलग हिसाब से उसके पैटर्न होते हैं। तो निर्भर इस बात पर करता है कि आप कौन सी नौकरी के लिए, कौन सी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। जरा आपका प्रश्न मेरे ख्याल से अगर स्पेसिफिक होता तो हम ज़्यादा बेहतर ज़्यादा विस्तार में बता सकते थे। हाँ सर, मुकेश प्रजापत पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 12 के बाद आज कई सारे नए कोर्स आ गए हैं, तो क्या उन कोर्स को करने के लिए करने के बाद नौकरियां कैसे मिलेगी। देखिए हाँ, ये सही सवाल है कि 12वीं के बाद में बहुत से प्रोफेशनल कोर्स हैं, ट्रेडिशनल कोर्स भी हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी हैं। प्रोफेशनल कोर्स करने का फ़ायदा ये होता है आसिफ जी कि जब आप किसी एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आपके मेंटर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, एक प्लेसमेंट सेल भी होती है,
है ना, अगर आप मतलब सरकारी सेक्टर की या गैर सरकारी सेक्टर की नौकरियों की बात करें तो इन इंस्टीट्यूट में वे रिक्रूटर्स आते हैं, वे नौकरी देने वाले लोग आते हैं, समय समय पर उनके एचआर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और अपने रिक्रूटमेंट खुद ही कैंप लगाकर बिल्कुल कैंप लगाते हैं, कैंपस ड्राइव करते हैं और उसके बाद में जो राइट कैंडिडेट होते हैं उनके हिसाब से उनको लेकर के चले जाते हैं। वहाँ पर आपको खास बात ये होती है कि जब आप कोर्स करते करते आपको आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो होते हैं टीपीओ जिनको हम कहते हैं और भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर आकर के आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करते हैं, आपको नर्चर करते हैं कि भाई इस सेक्टर में आपको जाना है। मान लीजिए आप एचआर के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एचआर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक कौन आदमी जो है एक एचआर के फील्ड में जा सकता है, मार्केटिंग के सेक्टर में कौन जाता है, इस तरह के एक्सपर्ट्स वो लेकर के आते हैं टीपीओ और ट्रेनिंग ऑफिसर बिल्कुल बताते हैं आपको, नर्चर करते हैं। जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं या डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाता है उस इंस्टीट्यूट से, तो तत्काल से कैंपस होते हैं और कैंपस से जाकर के आप नौकरी पा लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने स्तर पर भी इंडिविजुअल लेवल पर भी सर्च करते हैं, प्लेसमेंट सेक्शन के भरोसे ही नहीं रहते, सर्च करते करते आपको हो सकता है कि आप किसी एक अच्छे रिक्रूटर से मिल जाए और वहाँ जा करके आप इंटरव्यू दे लेते हैं। आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो रहे हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू से या उससे मिल करके पर्सनली आप अपने आप को रखते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं और नौकरी पा लेते हैं। तो ये भी दूसरा तरीका है। तो कहने का मतलब है कि 12वीं के बाद जो भी आप कोर्स करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की जहाँ तक बात है, तो खुद ही आप डेवलप होते रहते हैं और इंस्टीट्यूट भी उसमें मदद करते हैं आपकी नौकरी पाने में। बिल्कुल सर। लालू कुमावत पूछ रहे हैं सर, हायर एजुकेशन के बाद भी कई लोग आज बेरोजगार हैं, तो हमें आज क्या पढ़ाई करनी चाहिए जिससे नौकरी मिल जाए? देखिए, हाँ, आपने सही कहा कि बहुत से लोग बहुत अच्छी डिग्रियाँ लेने के बाद भी, प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं पा पाते हैं। दरअसल इसका कारण कई कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, हर आदमी को नौकरी मिल जाए ये भी कई बार जरूरी नहीं हो सकता है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है, वो नौकरी के प्रति सही ना हो। जो आपको नौकरी देने वाला है उसका उसकी आवश्यकताओं से आपका व्यक्तित्व तो नहीं मेल खाता है, तो वहाँ क्या है कि आपको अपने को रिजेक्ट नहीं मानना चाहिए। कभी भी आप जो है अपने भीतर नकारात्मक बातें नहीं आने दें, बल्कि आप ये कर सकते हैं, दूसरी तरफ भी अपना रुझान पैदा कर सकते हैं, दूसरी नौकरियों को ढूंढ सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस बतौर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, एज ए कंसल्टिंग जो है आप एज ए कंसल्टेंट आप अपना सेवाएं दे सकते हैं किसी को। लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि आप अपने जीवन में क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं। कई बार हो सकता है कि आपने ऐसे विषय से पढ़ाई की है जिस विषय में आपकी रुचि ना हो या जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, तो फिर कोई आपको नौकरी में कैसे देगा नौकरी, ठीक है ना। अच्छा, सरकारी नौकरियों की जहाँ तक बात है, हो सकता है कि आप जो है प्रतियोगी परीक्षाएं पास ना कर पा रहे हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप बिल्कुल निराश हो जाएं। बहुत तमाम नामचीन हस्तियां हमारे देश में ऐसी हैं, ऐसे उदाहरण हमारे पास में जो कई बार फेल हुए, शुरुआती अपने कई बार फेल में फेल हुए, और डॉक्टर कलाम साहब कहते भी थे फेलियर का मतलब है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग, यानी सीखने का पहला स्टेप है वो। तो आप कई बार नौकरी नहीं मिलती तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, और ये ना समझे कि साहब सारी दुनिया में हमको नौकरी नहीं मिल सकती, हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा रास्ता खुला हुआ हो, उस रास्ते को तलाशें। तो ये हुआ आज का करियर मार्गदर्शन, सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। अगले सप्ताह भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले सप्ताह हम किस विषय पर बात करेंगे ये सर बताएंगे। आसिफ जी, अगले सप्ताह हम अपने दर्शकों से हायर एजुकेशन पे बात करेंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, जो संभावनाएं हैं करियर की, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।